सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। ऐसा ठीक नहीं है कि हम अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करते रहें और जीना ही भूल जाएं। कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो उसे बार बार समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना गवाएं। समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। आज का पंचांग 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 8:10 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:42 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:55 से 11:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर दोपहर 1:44 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। मीन राशि 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार, हाल ही में हुआ मूल्यांकन आपके लिए अच्छा रहा। दूसरे लोग काम में आपके नेतृत्व कौशल को नोटिस कर रहे हैं। सामाजिक स्थिति में बदलाव अभी क्षितिज पर है। अगर इस समय धन की कमी है तो चिंता ना करें क्योंकि आय का कोई नया स्रोत आपको इस तनाव से मुक्त करेगा। रिश्ते अक्सर आपसी समझ और विश्वास पर आधारित होते हैं। आशा पाएंगे कि आपके दोस्त हर तरह से आपकी मदद कर रहे हैं और बदले में उन्हें भी सहायता की जरूरत है। प्रतिद्वंदी भी आपकी तरफ होंगे, वो सभी लोग जो आपके हौसले को बढ़ावा देंगे और आपको प्रेरित करेंगे। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आज आप किसी भी परिस्थिति में समाधान ढूंढ लेंगे। इस समय आत्म मनन तथा आत्म निरीक्षण करने का समय है। अपनी कुशलता और समझदारी द्वारा किसी कार्य के उत्तम परिणाम हासिल करने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट में सफलता अवश्य मिलेगी। कामों में बदलाव से तनाव दूर होगा। मित्र से मिली सहायता की वजह से आर्थिक समस्या दूर होगी। आध्यात्मिक बातों की वजह से स्वभाव में और जीवन शैली में भी बदलाव आएगा। अपने काम से संबंधित ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। इस ट्रेनिंग के जरिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पुराने रिलेशनशिप के बारे में विचार न करें। पुराने और वर्तमान रिलेशनशिप की तुलना करने से विवाद होंगे। सावधानियां, किसी भी परिस्थिति में ज्यादा अड़ जाना या जिद करना उचित नहीं है। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है। गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल करें क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। एक नया रिश्ता आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है लेकिन इसे लेकर असमंजस्य में है। अधिक सोचना छोड़कर खुले दिल से इसका स्वागत करें। खुशियों भरे इस दिन रात को ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। साथी के परिवार की परेशानियों में शामिल होकर उन्हें हल करें। आपके कुछ सभ्य मित्र आज आपकी हर संभव मदद करेंगे और हो सकता है कि भविष्य में उन्हें आपकी सहायता की जरूरत पड़े। आपके दोस्त आपकी शक्ति प्रतिष्ठा और दक्षता को भी बढ़ाएंगे। आपका साथी आपको प्रेरित करेगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बदले में अपने साथी से प्यार व केयर करें और उसके प्रति समर्पित रहें। बात करते हैं करियर की। किसी साक्षात्कार वार्तालाप या स्वरोजगार के लिए समय आपके लिए शुभ है। आज कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। चीजों को सकारात्मक रूप से देखें क्योंकि आपके लिए आज का दिन बेहतरीन है। खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना ही आज का मंत्र है। अच्छे संबंध आमतौर पर आपसी जरूरतों पर आधारित होते हैं। लोग आपको केवल तभी समझ सकते हैं अगर वो समझना चाहते हों। आपकी शक्ति से आपकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं इसीलिए सतर्क रहें। याद रखें इस दुनिया का हर व्यक्ति आपको मदद नहीं करेगा, इसीलिए अपना ध्यान स्वयं पर रखें। बात करते हैं सेहत की। छोटी छोटी बातों पर तनाव लेने की आदत में सुधार लाएं तथा सकारात्मक बने रहें। गर्दन और माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है।
माइग्रेन की तकलीफ जिन लोगों को है उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी भी चाहिए। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं और कमल के फूल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।